तो दोस्तों चलिए आज मैं ट्यूटोरियल वीडियो लेके आई हूँ आप लोग के लिए इस फ्लावर का, ताकि आप लोग अच्छे से सीख सको। और मैं पूरा डिटेलिंग में इसको डालने वाली हूँ, तो अच्छा लगे तो ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा है। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए हमने शीट ली है, 300 GSM का पेपर है ब्रूस्टरो का, और ये मैकेनिकल पेंसिल है मेरी, इससे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। अच्छा, कभी भी आप लोग ड्रॉ करो तो लाइट हैंड से हमको ड्रॉ करना है। तो इस पैटल से मैं ड्रॉ कर रही हूँ दोस्तों, तो ये देखिए बहुत लाइट हैंड से ड्रॉ करना है पिक्चर को। ये इस तरीके से आप पूरा पिक्चर ड्रॉ करोगे। तो दोस्तों पिक्चर हमने ड्रॉ कर लिया है। अब शेडिंग के लिए मैंने लिया है ब्रूस्टरो की फाइन आर्ट ग्रेफाइट पेंसिल्स ले रही हूँ। 12 का सेट आता है पूरा, इसमें 10 भी तक है, इससे मैं शेडिंग करूँगी, ठीक है। हाँ तो दोस्तों इसके अलावा मैंने लिया है स्टम्प, ये छोटे वाले और बड़े वाले नंबर्स के, इतने नंबर के स्टम्प्स लिए हैं मैंने। ये अपनी इरेजर है वाइट पेंसिल, ठीक है। और ये जो है वो मोनो इरेजर है। ये ब्लेंडिंग के लिए मैंने ब्रशेस भी यूज़ कर रही हूँ, नीडेड इरेजर है। और ख़ास तौर से जहाँ डार्क पार्ट करना है आपको ये डबल ई पेंसिल यूज़ करना है दोस्तों, ठीक है। और सबसे और इसके अलावा मैं सैंड पेपर भी ले रही हूँ। तो सैंड पेपर पे सबसे पहले हम 10 बी पेंसिल जो हमारी है उसको मैं रब करने वाली हूँ, ठीक है। रब करूँगी तो डस्ट निकल आएगी हमारा, ये देखिए, ठीक है। उस डस्ट को मैं स्टम्प में लूँगी और उससे शेडिंग करूँगी दोस्तों, इस तरीके से। तो जो भी डार्क वाला पार्ट है हमारा, ये देखिए, अभी पिक्चर को मैं जूम कर लेती हूँ। ये जो लीफ है इसको करने वाली हूँ। तो इसमें जो शेडिंग है आप देखिए कहाँ जा रही है, ऊपर से नीचे की साइड स्ट्रोक्स जा रहे हैं हमारे, ठीक है। तो हल्के हाथ से हम स्ट्रोक्स देंगे और ये टू साइड चलाना है। टू साइड मीन्स अप एंड डाउन मूवमेंट देख लीजिए आप लोग स्टम्प का कैसे कर रही हूँ मैं, लाइक दिस, देखिए इस तरीके से। एक बार में डार्क करने की कोशिश नहीं करना है, ये विशेष ध्यान रखना है। इस तरीके से देखिए सेम ऐसे इस साइड करूंगी। अभी बीच वाली लाइन पे मैंने इसको बारीक वाला स्टंप लिया है, रिपीट करके डार्क कर रही हूँ। Thank you.
अभी फिनिशिंग के लिए मैं इसके ऊपर ब्रश चला रही हूँ थोड़ा, ताकि एक सब ब्लेंड हो जाए। चलिए इसी लीफ पर डिटेलिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अभी ये 4B पेंसिल, और ये देख लीजिए पॉइंटेड है। इसके ऊपर स्ट्रोक्स दिख रहे हैं, उन स्ट्रोक्स को मैं दूंगी। ऊपर से नीचे की साइड पेंसिल चलाना है। अभी इसमें हम हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नीडेड इरेजर। इसको पॉइंटेड करेंगे पहले थोड़ी सी, जहाँ जहाँ हाईलाइट करना है उसको यूज़ करेंगे लाइक दिस। यहाँ पे टर्निंग है, मुड़ी हुई लीफ है। अभी इसको थोड़ा सा मर्ज करेंगे हम, जो हमने वाइट निकाला है इस टर्म से, सेम यहाँ भी। अभी हम मोनो इरेजर यूज़ करने वाले हैं। ये देखिए, और यहाँ भी। ठीक है, तो एक लीफ हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी लीफ भी इसी तरीके से बनाएंगे।
तो दोस्तों देखो ये फ्लावर मेरा तैयार हो चुका है। और यदि आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, इस तरह के ट्यूटोरियल मैं लेकर आती रहूँगी दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलती हूँ। और जो कुछ समझ में नहीं आया हो आप लोगों को, तो कमेंट्स के थ्रू आप लोग मेरे से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो ओके, बाय बाय।